हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट्स की बात करेंगे, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट्स की बात करनी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला अपडेट है, केरला ब्लास्टर्स एंड हैदराबाद एफसी विल प्ले इन फर्स्ट सैफ क्लब चैम्पियनशिप विच इज़ एक्सपेक्टेड टू किक ऑफ इट्स इनॉग्रल एडिशन इन 2023। अगर आपको सैफ क्लब चैम्पियनशिप के बारे में नहीं पता है तो हम अपने अगले वीडियो में सैफ क्लब चैंपियनशिप के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड। फिलहाल बात करते हैं दूसरे अपडेट की, जो कि है संतोष ट्रॉफी के बारे में। आपको पता ही होगा कि AFF ने सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें AFF ने संतोष ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेटस को सऊदी अरब में कराने का फैसला किया है। ये सऊदी अरब की कैपिटल रियाद या जेद्दा शहर में हो सकते हैं, क्योंकि जेद्दा में इंडियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि संतोष ट्रॉफी, जो अपनी पहचान लगभग खो चुका है, वो उसे वापस पाने में हेल्प होगी और अब फैंस और प्लेयर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा संतोष ट्रॉफी के लिए। प्लेयर्स को काइंड ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, जिससे वो टीम्स नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के लिए जी जान लगा देंगे और खेल का लेवल डेफिनेटली सुधरेगा, जो कि इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संतोष ट्रॉफी के प्लेयर्स को थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी अपने करियर को लेकर, कि वो भी संतोष ट्रॉफी में खेलकर काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। मुझे तो ये डिसीजन सही लगा, आपको क्या लगता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट है इंडियन अंडर 17 टीम को लेकर। आपको पता होगा कि इंडियन अंडर 17 मेंस टीम ने लगातार तीसरी बार AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। AFC अंडर 17 एशियन कप 2023 खेला जाएगा बहरीन में फ्रॉम 3-20 मई इन 2023। अब बात करेंगे FIFA अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में, तो इंडिया अपने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच हार गई। इंडिया ने टोटल 16 गोल कंसीड किए लेकिन कोई गोल स्कोर नहीं किया। हमारे पास मोरक्को और ब्राज़ील के अगेंस्ट गोल स्कोर करने का मौका था, बट वी लैक्ड क्वालिटी इन फाइनल थर्ड। ओवरऑल इंडियन टीम के लिए ये अच्छा एक्सपोजर रहा और वर्ल्ड की बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेलने का, और ये पता तो चल गया कि हम टेक्निकली और फिजिकली कितने वीक हैं अदर टीम से। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होगी और इस टीम को और एक्सपोजर और मैचेस मिलते रहेंगे, जिससे ये ग्रुप आने वाले फ्यूचर में इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर पाए। आपका क्या विचार है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला अपडेट है इंडियन अंडर 20 टीम को लेकर। इंडियन अंडर 20 मेंस टीम ने एशियन कप क्वालिफायर खेल रही थी कुवैत में। वैसे तो हम बहुत ही टफ ग्रुप में थे और इराक, ऑस्ट्रेलिया और कुवैत के साथ, और क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हमने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला और आसानी से हार नहीं मानी। पहले मैच में इराक से 2-1 की लीड लेने के बाद पहले हाफ तक हम दूसरे हाफ में 4-2 से हार गए, और सेकेंड मैच में ऑस्ट्रेलिया से 4-1 से हार गए। लेकिन हमने सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा खेला और स्कोर लाइन पे आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा गेम खेला था। थर्ड मैच में हमने कुवैत को 2-1 से मैच में हरा दिया और अपने ग्रुप में थर्ड प्लेस पे फिनिश किया। अगला अपडेट है AFC एशियन कप 2023 को, जो चाइना में होना था, चाइना ने विड्रॉ कर लिया, तो अब होस्टिंग राइट्स कतर FA को मिल गया है और मोस्ट प्रोबेबली टूर्नामेंट विल टेक प्लेस इन अर्ली जनवरी इन 2024। वैसे एशियन कप 16 जून और 16 जुलाई के बीच होना था, लेकिन उस समय कतर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से टूर्नामेंट को 2024 जनवरी तक शिफ्ट करना पड़ सकता है। अगला अपडेट है और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आपके लिए, कि AFC एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडिया और सऊदी अरेबिया को शॉर्ट लिस्ट किया है एज फाइनल टू बीडर्स फॉर AFC एशियन कप 2027। तो इस बात के चांसेस हैं कि इंडिया को 2027 AFC एशियन कप की होस्टिंग राइट मिल जाए। वैसे आपको क्या उम्मीद है कि 2027 को एशियन कप की होस्टिंग राइट सऊदी अरब को मिलेगी या इंडिया को, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला अपडेट है आई लीग को लेकर। AIFF ने अनाउंस कर दिया है कि आई लीग का 2022-23 सीजन नवंबर 12 से स्टार्ट होगा। टोटल 12 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। बहुत जल्दी फिक्स्चर भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ मसले हैं जिनको सुलझाना है, उसके बाद फिक्स्चर अनाउंस होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।